लुधियाना के सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से दो बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है, तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं, दो ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है, तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटे की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी, इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है, डेट तय है, दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आने हैं पर उसमें देर हो रही है, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोच कर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना तो कैसे काम होगा समझ में ही नहीं आ रहा, मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। हाँ भाई ठीक है, अब देख भाई, हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, ना कमाते हैं ना कुछ कमाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन चल ये ले, कितने पैसे चाहिए? जी 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लौटा देना। सुनील मुसीबत के वक्त बीवी के भतीजे की मदद तो कर देता है, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख ले रीटा, तेरे मायके वालों ने मांगा तो दे दिया, वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे क्यों भरोसा नहीं है, इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली। हाँ ली तो नहीं, लेकिन पैसे की किल्लत ही रहती है ना इन लोगों के पास। अरे ठीक है ना, नहीं लौटा पाए तो भतीजे के ससुराल से निकाल देंगे, सुना है बड़े घर में शादी हो रही है। सुनील और रीटा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अगले रोज ही। हाँ भाई साले साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ जीजा जी, क्या बात है, सालों बाद आपका फोन, जरूर कोई बात होगी बताइए ना। अरे वो तेरी बड़ी भाभी आई थी, बेटी की शादी कर रही है ना तो पैसे लेने के लिए, मैंने दे दिए 4 लाख, सोचा भाई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, पुण्य मिल जाएगा। अच्छा किया जीजा जी, उनका बेटा बहुत मेहनती है, जल्द ही लौटा भी देगा। वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है। रीटा की भाभी शशि के पास उसके भाई का फोन आता है। तूने सुनील से पैसा लिया है क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, बोल तो रहा है कि दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। अब गाने दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से, अब देख ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो, तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे, लेकिन अब पैसा लौटा दे भाई। जी मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशंस मैं आपको भी भेज देता हूँ, मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाना चाहिए, जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन वोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए पैसा। ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजे के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। अरे बेटा क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी, अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते लेकिन सुनील से मदद नहीं लेने चाहिए थी, याद है ना मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी, कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वही रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी,
पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए, थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा टिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी। भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे दो। तभी डोरबेल बजती है और रीटा का बेटा टिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने। आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता, आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी पैसे कब तक दोगे? बेटी की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी काम आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं, घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। रीटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूं, लेकिन पक्का नहीं बोल सकती। तभी सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। देख माना, 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4,20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। सुनील फोन रख देता है, लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सारी बात बता देता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ पीएफ के पैसे आ गए, और वो ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो भगवान का, लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस लें, ना कि समाज में आपकी इज्जत।